35 रुपया पाना है तो कांग्रेस को, अब महंगाई को कम करना है तो महंगाई को कम करना है तो पेट्रोल डीजल कम करना है तो खोदी खोदी के रोजीला 400 रुपया कराना है तो खोदी के 400 रुपया रोजीला कराना है तो कांग्रेस द्वारा महिलाओं को 1,00,000 रुपए सालाना देने के नाम पर जो फॉर्म भरवाया जा रहा है उसको हमने तो कह ही रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुराना इतिहास कांग्रेस का यह रहा है कि जो लोग 18 के घोषणा पत्र में 500 रुपए नहीं दे पाए वो 8,333 रुपए महीना और 1,00,000 रुपए वार्षिक देने की बात कर रहे हैं। बस्तर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने ही उसको खारिज कर दिया, झूठा बताया। इससे स्पष्ट है कि ये कमिटमेंट भी जो सामान्यता प्रचार में आ रहा है, पेपरों में आ रहा है, कहीं आ रहा है, ये भी कांग्रेस का एक टूल किट है। ये इनका घोषणा नहीं है, केवल वोट बटोर के फिर मुकरने वाली बात है, जिस तरीके से शराबबंदी के नाम पर या बेरोजगारी भत्ते के नाम पर इन्होंने किया है। ये सुशील मौर्य का जिला निर्वाचन शिकायत सेल को पत्र है जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये फर्जी है, इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमारे सभी कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ताओं के मेहनत से घबरा गई है और एक मेरा फर्जी लेटर को वायरल कर रही है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के हमारी जो न्याय योजना है 5, उन सभी का जमकर प्रसार प्रचार करें और आपकी मेहनत के कारण भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। यह चुनाव कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं और एक फर्जी मेरा लेटर वायरल कर रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इन बातों पर आप ध्यान ना दें और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करें। लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी चुनाव जरूर जीतेगी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के उस चुनावी बड़े घटनाक्रम पे, जिस समय इस समय पूरी जो सियासत है उस पर अटकी हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा भाजपा का एक दांव इस तरीके से कांग्रेस पर भारी पड़ा कि कांग्रेस की सरकार ही पलट गई। अब उसी दांव को कांग्रेस आजमाना चाहती है और वो जब दांव लेकर आई है तो भाजपा डरी नजर आ रही है। क्या भाजपा इस तरीके के दावों से डर जाएगी? इसका क्या इस तरीके का हल निकाला जाएगा और नारी न्याय क्या छत्तीसगढ़ में गुल खिलाएगी? इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आलोक सोनी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक नजरिया लेकर विश्लेषण सामने रखेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जगदलपुर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि मामला जगदलपुर से ज्यादा जुड़ा है, जावेद खान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और हमने जैसा कि बताया कि ये जो मसला है वो चुनाव में सीधा असर कर रहा है और इसीलिए भाजपा थोड़ी डरी नजर आ रही है और भाजपा की आपत्तियां भी कुछ जायज भी दिख रही हैं। क्या है ये पूरा प्रकरण? पहले हम आलोक सोनी जी को मौका देते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि घोषणा पत्र में कोई बात अगर किसी पार्टी ने लिखी है तो उसका वो प्रचार प्रसार करेगा, उसमें गलत क्या है? बीजेपी कुछ लोगों को या कांग्रेस को रोकने की क्यों कोशिश कर रही है अगर वो अपने घोषणा पत्र की बात को प्रचारित कर रहे हैं? देखिए मोहन जी, पहले तो मैं एक बात जिस मुद्दे पे आज ये बहस हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरा हुआ है, तो पहली बात मैं इस बात को स्पष्ट रूप से आज चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव से ना डरती है ना आगे भी डरेगी। और क्यों डरे? भारतीय जनता पार्टी के पास में जो नेतृत्व मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप, श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, उन्होंने ऐसे विकास के कार्य किए हैं, ऐसे विकास के आयाम स्थापित किए हुए हैं कि आज देश विदेश में भारत का डंका बज रहा है। आज देश में उनकी बातों को गारंटी के रूप में लिया जाता है और आज उनकी गारंटी पे छत्तीसगढ़ में हमने चुनाव जीता है। और जब हमारे पास ऐसा नेतृत्व मौजूद है, इस नेतृत्व के साथ हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरेगा क्यों? रही बात जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं कि ये आज कांग्रेस ने एक जो योजना चलाई हुई है कि वो 1,00,000 रुपए सालाना देने की बात कर रहे हैं,
तो मैं ये पूछता हूँ कि अगर एक सिंपल एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, ये आज की घटना है और ये बिल्कुल स्वाभाविक घटना है कि आज मेरे घर में एक काम करने वाली बाई ने मुझसे पूछा, क्योंकि वो जानती कि मैं राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ, तो भैया ये क्या चीज़ है, ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग वादा कर रहे हैं, ये ऐसा वैसा है। मैंने कहा क्या वादा कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि 1,00,000 रुपए की बात हो रही है। तो मैंने उनसे ही दोबारा ये क्वेश्चन कर लिया कि आपका क्या कहना है करके। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने उनसे क्वेश्चन किया आपका क्या विचार है ऐसा करके। तो उन्होंने कहा कि भैया वादा भी तो ऐसा करना चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके। तो मतलब सोचिए कि एक आम नागरिक, एक आम इंसान उनके किसी वादे पर भरोसा नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी रकम हो गई मोहन जी, 1,00,000 रुपए बहुत बड़ी रकम हो गई। आप 500 रुपए और 1,000 रुपए महीने के वादे पर, उन्होंने भी किया था छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे लोग भर रहे हैं जैसे विश्वास है उनको। अब 50 लाख अगर लोग फॉर्म भर रहे हैं, फिलहाल समझ सकते हैं कि किस तरीके का वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है। चुनाव का समय है, मतदाता सभी को जानता है, कोई भी कार्यकर्ता आता है, किसी पार्टी का दल का कार्यकर्ता आता है, तो वो उसको मना नहीं कर सकता। लेकिन उसको पता है कि उसके हृदय में, उसके दिमाग में किसे वोट देना है। मोदी जी ने जो करके दिखाया है पिछले 10 वर्षों में उसके गरीब के उत्थान के लिए, गरीब के आगे बढ़ाने के लिए, उसे मालूम है, तो किसी को मना नहीं कर सकता, स्वाभाविक है, इसलिए वो फॉर्म भर रहा है। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तब आप देखिएगा कि वो किसको वोट देने जा रहा है, तब किसको बहुमत। चलिए, चुनावी बहाव है, लहर है, उसमें हर कोई सवार होना चाहता है, और अगर पैसे किसी को मिल रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है, इसलिए शायद फॉर्म भी लोग भर रहे हैं। लेकिन फॉर्म भर रहे हैं यानी कहीं ना कहीं वादे पे विश्वास है, इसी बात की जंग हमें देखने को मिल रही है। कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं। कांग्रेस की ओर से आज ये बात आई कि उनका पत्र वायरल किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। जावेद जी, क्या बस्तर में ऐसी स्थिति है कि पहले तो कांग्रेस ने पत्र दे दिया कि भाई हमारी ओर से कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया जा रहा है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, फिर आप लोग कह रहे हैं कि हमारे पत्र फर्जी है, वो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, भाजपा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है, क्या कहेंगे, ये सब में सच्चाई क्या है, कांग्रेस का पक्ष क्या है? सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। बस अभी कुछ देर पहले ही इस भ्रामक और असत्य पत्र के खिलाफ स्थानीय थाना कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराने का आवेदन जिला अध्यक्ष के साथ मैं स्वयं जाकर के दे करके आया हूँ। यह भ्रामक इसलिए है मोहन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि चुनाव आयोग के साथ में कोई चीज, अगर किसी चीज कोई आवेदन आदान प्रदान हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी तक कैसे पहुंचा वो, पहली चीज। उस आवेदन को आप देखेंगे तो उसमें ना तो नंबर डला हुआ है उस आवेदन में, ना तो दिनांक डला हुआ है, यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष का हस्ताक्षर भी फर्जी है। जिला अध्यक्ष ऐसा हस्ताक्षर करते ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ये बोल रहे हैं ना हम डरे हुए नहीं है, मैं बिल्कुल इनकी बात को स्वीकार करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई नहीं है, इसलिए डरी हुई नहीं है क्योंकि इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास आईटी है, इनके पास चुनाव आयोग है, है ना। चुनाव आयोग, अगर मैं तो ये कहता हूं अगर ये पत्र सत्य है कह रहे हैं तो ये सवाल तो चुनाव आयोग के ऊपर भी खड़ा होता है कि ये पत्र सार्वजनिक कैसे हुआ। चुनाव आयोग क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से संचालित हो रही है क्या? चुनाव आयोग को इसमें जवाब देना चाहिए। नहीं, इसमें ये बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पार्टी को ऐसे फॉर्म भराने का अधिकार नहीं है, इसलिए FIR होगी। FIR से बचने के लिए जिला अध्यक्षों ने इस तरीके का पत्र दे दिया कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है फॉर्म भराने वालों से। पूरी तरह से ये गलत और निराधार बात है जो ये किए हैं, और जिस पे इनके ऊपर FIR हुई थी विधानसभा चुनाव के समय में, महतारी वंदन योजना का फॉर्म ये भराए थे, 3 जगह इनके ऊपर FIR हुई थी। तो इन्हें पता है कि ये चीज होता है तो उसी चीज को ये फर्जी रूप से वायरल कर रहे हैं। आज स्पष्ट रूप से जिला अध्यक्ष ने बयान भी दिया है और थाना कोतवाली में आवेदन भी दे दिया है कि ये इसकी जांच की जाए और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत सोशल हैंडल से इस वायरल किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये जो अभी कह रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता के किसी को विश्वास नहीं है, अरे भैया अगर किसी को विश्वास नहीं है तो जाने दीजिए ना, काहे के लिए घबरा रहे हैं आप। मोदी जी का तो दंगा बज रहा है, मोदी जी की गारंटी तो वारंटी हो गई है। मैं बता रहा हूं मोदी जी की गारंटी आज
चाइना की गारंटी के बराबर हो गई है। जिस तरह चाइना का माल लोग खरीदने से बचने लगे है ना, क्योंकि दो तीन महीने में उसकी गारंटी खत्म हो गई है। अभी पिछला चुनाव तो उन्हीं की गारंटी पे लड़ा है, अभी पिछला चुनाव जिसमें आप लोगों की हार हुई है वो तो उन्हीं की गारंटी पे हुआ है, वहाँ कैसे चल गई गारंटी? नहीं 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 नहीं, मोदी की गारंटी पर नहीं लड़ा मोहन जी, ये झूठ परेब और बदनाम करके लड़ा गया है। ईडी आईटी सीबीआई को उपयोग करके लड़ा गया है। यह चुने हुए मुख्यमंत्री को महादेवता एक्ट के नाम से बदनाम करके लड़ा गया है। आबकारी मंत्री को 2000 करोड़ रुपए घोटाला बता करके लड़ा गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया। तो मोदी के चेहरे और मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की चुनाव ये नहीं जीते है, ये झूठ फैलाते। अनिल चौबे जी के पास चलते हैं और उनसे पूरे प्रदेश भर में किस तरीके की इस पूरी योजना को लेकर फीडबैक है वो जान लेते हैं। क्या इस तरीके की कोई योजना चुनाव परिणाम जो कि एक तरीके से एक और जाता दिख रहा था उस पर असर डालती हुई दिख रही है क्या चौबे जी आपको? देखिए, ये कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा लालच है 8500 रुपये महीना महिलाओं को देने का। निश्चित ही इसका असर पड़ रहेगा। कांग्रेस को खुद अगर ये फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं तो इनको शीर्ष नेतृत्व को इसका खंडन करना चाहिए कि हम फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, और अगर भरवा रहे हैं तो फिर स्वीकार भी करना चाहिए कि हाँ हम भरवा रहे हैं। अब इस तरीके से जिस तरीके से ये भीड़ दिख रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, कायदे से तो चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा ना हो, लेकिन चुनाव आयोग को संज्ञान, क्योंकि जो सीईसी ने स्पष्ट गाइडलाइन दी है कि किसी भी तरीके के प्रलोभन को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग, ये सारी चीजें जब सामने हो रही हैं, लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो फॉर्म भरने वाले और भराने वाले दोनों पर FIR चुनाव आयोग को करना चाहिए, सख्ती से करना चाहिए, तब जाके ये फेयर इलेक्शन हो पाएगा, वरना ये तो लालच। इसमें एक महीन रेखा है कि समझ नहीं आता कि ये प्रलोभन में आएगा या अपनी योजना का प्रचार प्रसार आएगा। कोई सरकार किस तरीके से काम करेगी इसको लेके तो जनता के बीच जाएगी, वो बताएगी कि भाई हमारे पास ये योजना है, इसमें गलत क्या है, ये प्रलोभन के श्रेणी में आएगा कि नहीं? ये सीधा सीधा 8000 रुपये हम आपको दे रहे हैं, आप हमें वोट दे दो, यही मतलब है इनका। इसके पहले इन्होंने महतारी वंदन योजना में भी कहा कि हमको 1000 रुपये देंगे, आप हमको वोट दे दो, तो आम जनता तो दे रही है वोट। अब ये 8000 रुपये का बोल रहे हैं, लोगों को वैसे विश्वास नहीं हो रहा कि 8000 रुपये कैसे देंगे क्या देंगे, लेकिन कांग्रेस अगर इस फॉर्म को नहीं भरवा रही है, जैसा कि जगदलपुर के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो उनको उनके शीर्ष नेतृत्व को इसका खंडन करना चाहिए कि अभी हम ये फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, लेकिन हम भविष्य में बनवाएंगे। ठीक है, चलिए आप स्पष्ट सुन लेते हैं जावेद जी, आप लोग आप बता दीजिए फॉर्म भरवा रहे हैं कि नहीं भरवा रहे हैं, और फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं जब आपकी सरकार अभी बनी नहीं है? मोहन जी, अपनी घोषणाओं का प्रचार प्रसार करने का अधिकार चुनाव आयोग हर पार्टी को देता है, हर दल को देता है। हम अपनी घोषणाओं को अपने न्याय पत्र का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जो वरिष्ठ प्रवक्ता कह रहे हैं, पत्रकार कह रहे हैं, उसका खंडन तो स्वयं जिलाध्यक्ष जिनके नाम से ये वायरल किया जा रहा है उन्होंने खंडन कर दिया है। और रही बात कैसे आएगा कैसे देंगे, तो भैया आज हमारे पास में 70 साल हमने सरकार चलाई है, देश चलाया है, हमें पता है कैसे आएगा कैसे देंगे। ये आप प्रदेश की और देश की जनता के विवेक पर छोड़ दीजिए कि कैसे देंगे। वो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बिल्कुल देंगे, और लीगल तौर पर दिए फॉर्म भरवा रहे हैं, यानी ये माने फॉर्म भरवाने में पीछे नहीं है कांग्रेस। मैंने क्या कहा, हम अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं भाई। अगर अगर चले दोनों में अंतर है वैसे तो ठीक है, कोई भी एक मतदाता यह दिखा दे कि हमारे पास भरा हुआ कोई फॉर्म है उसकी रसीद है, तो हम स्वीकार करें कि फॉर्म भरा रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं। चलिए, फॉर्म भराने की बात से इनकार है लेकिन अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी योजना की बात कर रहे हैं। चौबे जी, इसमें क्या अंतर है, दोनों में क्या लग रहा है, प्रचार प्रसार और फॉर्म भराना क्या गलत है क्या? एज पर द कंडक्ट रूल के हिसाब से आप प्रचार प्रसार पूरा कर सकते हो, लेकिन फॉर्म भरा रहे हो आप, उनसे KYC ले रहे हो, उनके सारे डिटेल ले रहे हो, जैसा कि अभी ये रायपुर लोकसभा में क्षेत्र में उपाध्याय जी का पूरा वायरल हो रहा है वीडियो, लोग लाइन लगा के फॉर्म भर रहे हैं, तो ये KYC के साथ फॉर्म नहीं भरा सकते आप, ये गैर कानूनी है।
आप प्रचार करिए ना कि हमारी सरकार आएगी, हम 8 लाख रुपए देंगे, 6 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, जो भी देंगे आप, लेकिन फॉर्म भरा के आप एश्योर करना चाहते हो उस वोटर को कि ये इसको 8,00,000 मिलेंगे तो ये हमको वोट देगा. दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग एज पर द कंडक्ट रूल. ठीक है, चलिए, ये दोनों में अंतर है सोनी जी, आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं और इसलिए बेवजह कांग्रेस को कोस रहे हैं. देखिए, मैं थोड़ा सा, हमारे प्रवक्ता जी जैसे कांग्रेस के बता रहे थे कि हम लोगों ने झूठा भ्रामक प्रचार किया कि उसकी वजह से लोगों ने वोट दे दिया. तो भाई, कांग्रेस की सरकार ने भी तो गृहलक्ष्मी योजना के लिए योजना लगाई हुई थी विधानसभा चुनाव के समय पे, तो क्या जनता ने उनको कि उसके ऊपर क्यों भरोसा नहीं? आप लोग पर भी यही आरोप है कि फॉर्म भरवाए गए. आप लोग ने भी फॉर्म भरवाया? हमने तो किसी प्रकार का फॉर्म नहीं भरवाया है. हमने किसी प्रकार का फॉर्म नहीं भरवाया. कांग्रेस ने भी योजना के बारे में प्रचार प्रसार किया था कि हम गृहलक्ष्मी योजना चला रहे हैं, गृहलक्ष्मी योजना चला रहे हैं, और लेकिन जनता ने वोट नहीं दिया. जनता ने किसके ऊपर हुई है? जनता जो FIR हुई है, अगर यदि किसी ने कुछ किया भी होगा तो कार्रवाई हुई होगी, और यदि कांग्रेस ने भी कोई गलत किया और FIR होगी और कार्रवाई होगी, उसमें तो कोई दुमत वाली बात नहीं है. और जो भ्रष्टाचार की कार्रवाई है, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है उसे जेल जाना होगा, उसे जेल जाना होगा. वो जमानत पे घूम के हमें प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए मोदी जी को दोषी नहीं ठहराई. जनता ने लाइसेंस दे दिया है, इसका ये मतलब नहीं होता है आप उसके ऊपर ईडी को, फिर आईटी को, सभी को, सीबीआई को कोसेंगे. अरे, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कार्रवाई होगी, आप जेल जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट ऐसे जहां पर रिजेक्शन हो रहे हैं, आपको वहां पर जमानत नहीं मिल रही है, और फिर आप मोदी जी को कोसते हैं कि मोदी जी जो है इनका इस्तेमाल. अरे, ये तो विधानसभा चुनाव के समय प्रचार किया, तूने उन सरकार को बदनाम किया. सरकार थी, रोके क्यों नहीं आपने? जनता ने भरोसा नहीं किया. सोनी जी आ जाएंगे, ठीक है. जावेद जी, आपकी सरकार थी, इन्होंने अगर नियम को तोड़ के प्रचार प्रसार किया तो आप लोग भी कार्रवाई करते? आप लोग ने तो कोई कार्रवाई की नहीं उस समय. अब इनकी सरकार है, ये कार्रवाई कर रहे हैं. मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, प्रदेश में उस समय 3 जगह फार्म भराते हुए कार्रवाई हुई थी, FIR दर्ज हुई थी. भले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी ऑन रिकॉर्ड इस चीज को नहीं स्वीकारेंगे और वो कहेंगे कि हम कोई फार्म नहीं भरा है बोल करके, लेकिन इन्हें पता है प्रदेश में 3 जगह इनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, और ये स्वयं कह चुके थे कि ये जो फार्म है मैतारी वंदन योजना का फार्म है, और उसके बाद में जब ये सरकार में है तो उसके बाद फिर एक नया फार्म भरा है, उसमें काट काट कर जनता के दिलों में भरवा लिए. हमने फॉर्म जनता के दिलों में भरवाया, वहां पर मैं जाके हमको KYC करने की जरूरत नहीं पड़ी है. जनता ने इसीलिए हमको वापस सत्ता सौंपी है. सुनिए, ये जो जनता के दिलों की बात आप कर रहे हो ना, ये 3 महीने में आ चुके हो, देख रहे हैं 3 महीने में इतनी साय साय की सरकार काम कर रही है कि आपने अब सभी से बड़े चलिए हम नियमों पे बात करेंगे, ऐसे में बहस नहीं हो पाएगी. तो चलते हैं चौबे जी के पास. चौबे जी, आखिर इसका सियासी असर क्या माने जनता को? ये इससे मतलब नहीं कि कौन सी पार्टी किस तरीके की नीतियों के साथ आ रही है, उसका मतलब ये है कि उसको कौन फायदा दे रहा है, उसी लिए उस ओर जाती है एक बार विधानसभा बीजेपी की ओर जनता ने रुख दिखाया. अब इस बार महिलाएं फॉर्म भरने के लिए जो लाइन लगा रही है वो कांग्रेस की ओर जा रही है. क्या यही मायने निकाले जाए, जनता को केवल अपने फायदे से मतलब है और यही रेवड़ी कल्चर चुनाव में चल रहा है? मोहन जी, आपका जो टॉपिक है कि फॉर्म नारी का जो फॉर्म भराया जा रहा है उससे भाजपा डरी हुई है, ये बिल्कुल सत्य है. क्योंकि महिलाएं जो है अगर एक तरफ ही चली गई तो 50% मतदान है महिलाओं का कम से कम, और आज की डेट में या पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा मतदान करने में इच्छुक रहती हैं. अगर वो एक बार ठान बैठी 8,000 रुपये का, तो भाजपा को वाकई डरने की बात है और भाजपा की बहुत दिक्कत हो जाएगी इसमें. ऐसा है इस मामले को. तो जो आपका मुद्दा है कि डर रही, वो बिल्कुल सही है. वोटरों का क्या सेंटिमेंटल रहता है इस तरीके की योजनाओं को लेकर? वो उनको अपने पैसे से मतलब है क्या? बिल्कुल, उनको अपने पैसे से मतलब है. और ये इस पर तो बड़ी बहस भी होना चाहिए और इस पर सुप्रीम कोर्ट से ये सब होके इस पर स्टे भी होना चाहिए कि कोई भी आदमी चुनाव के वक्त कुछ ऐसी लालच दे देता है
जिसको लेके उनको उनको क्या है, आप 1000 दे रहे थे वो 8000 रुपए दे रहे थे, 1000 तो उनको मिल ही रहा है, वो इसका भी फॉर्म भर देंगे, हो सकता है वोट भी दे दें कि चलो 8000 आ जाएगा, तो आप 1000 तो मिल ही रहा है ना, सरकार आए या ना आए उनकी, तो उससे उनको वो गेम खेल सकती है महिलाएं। और ये बिल्कुल सही है कि ये डरने वाली बात है भाजपा की, इसका कोई तोड़ नहीं है, सचेत रहना चाहिए। चलिए हम डरे हुए शब्द से हटाकर सचेत रहने की जरूरत है। कितना सचेत हैं आलोक जी, कैसे इसका क्या काट निकालेंगे, ये तो फॉर्म भरवा रहे हैं। देखिए अब जो गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अभी इस मुद्दे पर बहस भी हुई कि अगर कोई फॉर्म भरवा रहा है वो गलत है, ये तो रही बात एक भरोसे की विश्वास की होती है कि मैंने अभी भी यही बात कही कि कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में एक योजना लाई थी गृहलक्ष्मी योजना के नाम से, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी, तो इसका यही सीधा मतलब है कि कांग्रेस से छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो परेशान हो चुकी थी उनके कुशासन के, उनके भ्रष्टाचार से और उनके जो वादा खिलाफियों से, इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। तो बात भरोसे की है, बात भरोसे की है कि यदि आप 1 लाख का बोलिए, आप 2 लाख बोलिए, 3 लाख बोलिए, लेकिन यदि जनता को पता है, जनता के दिल में ये बात पता है कि भरोसा उस पार्टी पे किया जा सकता है, भरोसा उस नेता पे किया जा सकता है जो अपनी बात पे अड़िग रहता है, जो अपने गरीबों के लिए काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, ना कि ऐसे नेता के ऊपर में जो घूम फिर करके इधर उधर अनाप शनाप बयान देते फिर रहे हैं और उसके मजे लिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर में, तो वो भरोसे की बात होती है। तो ये जो भरोसा है वो मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है जनता को, और मुझे पूरा यकीन है कि जनता जो है वो अपना काम करेगी। ठीक है, मोदी जी के भरोसे के ऊपर क्या नारी न्याय का भरोसा काम कर पाएगा? जावेद जी, एक बड़ा नेता, ब्रांड नेता, उसके सामने आपकी योजना कैसे चलेगी? मोहन जी, मोदी जी के भरोसे की बात कर रहे हैं ये, मोदी जी की गारंटी कर पर बात कर रहे हैं ये। मोदी जी ने भरोसा दिया था हर युवा को कि प्रति साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, कितना रोजगार दे दिए। मोदी जी ने भरोसा दिया था पूरी देश की जनता को, महंगाई कम कर दूंगा, कितनी महंगाई कम कर दी। मोदी जी ने भरोसा दिया था देश की महिलाओं को, महिला उत्पीड़न बंद कर दूंगा, कितना महिला उत्पीड़न बंद हो गया। मोदी जी ने भरोसा दिया था देश की जनता को 2021 तक हर देशवासी के सर पे छत होगी, कितने देशवासियों के सर पर छत हो गई। मोदी जी ने भरोसा दिया था देश के किसानों को कि उनकी आय दुगनी कर दूंगा, कितने किसानों की आय दुगनी। ये बहस तो अलग हो जाएगी, केवल इस मुद्दे पे आइए, नारी न्याय में कैसे भरोसा करे। तो मैं अब वही पर आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोदी जी का महिमा मंडन करने के बंद करने की बजाय मोदी जी की गारंटियों पर अगर बात कर ले, जो 2014 में की गई थी, जो 2019 में की गई थी, तो कम से कम देश की जनता उन्हें सुनने भी जाए। मोदी जी चीन और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, मणिपुर पे माली बोलते हैं, पार्टी 70 साल से गरीबी हटाओ के नारे से ही अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई, उस पार्टी पे कैसे देश की जनता भरोसा करेगी जो पार्टी सरिया कानून वापस लाने की बात कर रही है। निर्भर करने, मजबूर करने वाले छत्तीसगढ़ की महिलाएं क्यों भरोसा करेगी कांग्रेस पर? 5 किलो राशन पर जो पार्टी के सुप्रीम नेता ये बोल रहे हैं कि 5 दिन में महंगाई गरीबी हटा देंगे, 70 साल में नहीं कर पाए, कैसे वहाँ पर छत्तीसगढ़ की और देश की जनता उनके ऊपर भरोसा करेगी? आज भी भरोसा करती है क्योंकि 5 चुनाव में हमने काम करने के बाद जितना वोट प्रतिशत हमारा था वो वोट प्रतिशत हमारा नहीं खटका, लेकिन सत्ता खिसक गई, लेकिन सत्ता खिसक गई, सत्ता नीचे से खिसक गई, सत्ता खिसक गई, वोट प्रतिशत नहीं किसका, सत्ता खिसक गई। अरे तो झूठ, जिस पार्टी को 65-70 सीट जीत करके दिया था छत्तीसगढ़ ने, उन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर जनता आऊंगा। एक सीधा सवाल जावेद जी से, जावेद जी आप लोग ये फॉर्म भरा रहे हैं, जनता कैसे विश्वास करे कि ये आप लोग देंगे? आप लोगों के पास क्या है आधार विश्वास का? कांग्रेस पर क्यों विश्वास करेगी जनता ये फॉर्म के आधार पर? केवल फॉर्म भर दिया इसलिए विश्वास हो जाएगा क्या? नहीं मोहन जी, केवल फॉर्म भर देने से या फॉर्म भराने से, जो कि हम नहीं कर रहे, हम अपनी योजनाओं का केवल प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे जनता हमारे पर विश्वास कर रहे ऐसा नहीं है। सही क्या है कि जनता ने कांग्रेस का 70 साल देखा है, मोदी जी का 10 साल देखा है, और जितना विश्वास, जितना भरोसा
भर भर के भरोसा मोदी जी के ऊपर जनता ने किया था, अब वो जनता का विश्वास टूट चुका है। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला उत्पीड़न हो, देश में जितनी भी समस्याएं हो उसमें मोदी जी पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं मोदी जी की गारंटियों पर जनता विश्वास नहीं करेगी, किसान विश्वास नहीं करेंगे। किसान अगर विश्वास करेंगे, देश की जनता अगर विश्वास करेगी, नारियां अगर विश्वास करेंगे, तो हर पार्टी दावा करती है और कांग्रेस ने भी ये बड़ा दांव खेल दिया है दावे के साथ। इसका कितना असर हो सकता है, एक बार चौबे जी से टिप्पणी ले लेते हैं। चौबे जी आपका क्या कहना है? देखिए, चूंकि इनका मामला बहुत लेट हो गया है और मोदी जी की गारंटी का ग्राफ काफी बड़ा है, तो ये फॉर्म महिलाएं जरूर भर रही हैं, जरूरी नहीं कि वो वोट में कन्वर्ट हो जो भी भीड़ लग रही है। अब कुल मिला के ये है कि जो मोदी जी वाला या जो भाजपा का एजेंडा है वो तो अभी जारी है, उन लोगों को मिल भी रहा है, किसानों को भी मिल रहा है पैसा, महिलाओं को भी मिल रहा है। अब जब तक इनकी सरकार बनेगी नहीं तब तक ये कैसे कैश ट्रांसफर करेंगे, ये एक अविश्वास सबके मन में है, जनता के मन में भी है। चैनल वाले भी जाके महिलाओं से पूछ रहे हैं तो वो कह तो रही हैं कि ये हाँ ये फॉर्म तो भरा रहे हैं लेकिन ये 1,00,000 रुपए कैसे देंगे ये पता नहीं है। तो एक ऊहापोह की स्थिति है और इसका बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना अपना एजेंडा है, सब चला रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग को इस तरीके के काम पर तुरंत रोक लगाना चाहिए, उस सख्ती से रोक लगाना चाहिए। ठीक है, चुनाव आयोग इस सब मामलों को शायद देख भी रहा होगा, लेकिन हमने विधानसभा चुनाव के समय भी देखा भाजपा अपना गेम खेल के निकल गई। अब लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस ने भी गेम खेलने की कोशिश की है, देखना यह है कि ये गेंद चौका या बाउंड्री को पार करती है या उसके पहले ही चुनाव आयोग द्वारा रोक ली जाएगी। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, समय की कमी है इसलिए चर्चा ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। एक बार और जब विषय मिलेगा तो फिर से इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जावेद खान जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिल चौबे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ आलोक सोनी जी ने समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद है और धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।